दोस्तों एक जो होने वाली है आपकी सी ए 12 होने वाली है साउंड स्टैंडर्ड की, एक होने वाली है एम टी 1201 और ये अपना क्यूडी ऑडियो की है। साथ में हमारे 6000 वाट के दो बेस हैं जो कि आप यहाँ लगे हुए देख सकते हैं, एक पी सियरा एक पी सियरा, और 932 दो हैं। अब हम यहाँ से सामान को धीरे धीरे, हमारा बाहर आप देखेंगे रिक्शा भी आ चुका है, सारा सामान जो है लोड कर लेते हैं। अब ये हिमांशु से एक मिनट कुछ बातें पूछ लेते हैं। हिमांशु ये बनाया, अच्छा अपना भी बताया क्या क्या सामान क्या क्या ले जा रहे हो? तो दोस्तों जो आज हम सामान लेके जा रहे हैं अपना, उसमें होने वाली है दो फ्रंट की बेस, जो कि आप एक तरीके से आपको पता तो नहीं चल पाएगा जब टेस्टिंग होगी, मॉडल मैंने आपको बता ही दिया। जो बेस के अंदर स्पीकर लगा है वो अपना 1500 वाट प्लस 1500 वाट फ्रीक्वेंसी रहेगी, एक तरीके से मिड के लिए वो रहने वाला है लाइन रे से, जो आपको मिड की आवाज मिलेगी वो मिलेगी लाइन रे से। और अब एक बार कर लेते हैं लोड और अब चलते हैं लोडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हिमांशु और सारा सामान लोड होगा। अच्छा ठीक है, तो अब निकलते हैं, चलो सारा सामान लोड। ये हमारे टीम मेंबर शेरी भाई, शेरी भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया। सारा सामान इनकी देख रेख के अंदर पूरा लोड हो गया भाई? सारा सामान लोड हो चुका है? हाँ जी भैया, सारा सामान लोड हो गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं ग्राउंड के अंदर। मैंने पहले गोडाउन कहते थे। ये हमारे हिमांशु भाई हैं, ये कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले रहे हो, क्या ले रहे हो? शॉर्ट्स ले रहे हो, क्या ले रहे हो? वॉइस ओवर के लिए शॉर्ट्स ले रहे हो। ठीक है, ये भी आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचा रहे हैं। ये ऋतिक हमने, ठीक है बाबू ऋतिक, चलो बेटा चलते हैं। अब हम लोग मिलते हैं आपको भाइयों गोडाउन में, फिर दोबारा गोडाउन करो ग्राउंड के अंदर। सामान उतर रहा है, ये है हिमांशु, कितना टाइम लगा? हाँ चलिए हाफ एंड आवर लगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आना बड़ा मतलब टिपिकल हो जाता है, काम छोड़ के किसी तरह से आपके पास आना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि सारा सामान तैयार करना फिर लेके आना, तो कभी कभार हम आपसे मिलते हैं तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारा सामान आपके पास आ गया, अब तैयारी करते इसे बजाने की। पूरा सामान आप एक बार देख लीजिए, ये पूरा एक सिंगल पिन डीजे है। बेसिकली सिंगल पिन डीजे का जो मतलब होता है वो होता है कि आपके दो डुअल के बेस और उसके साथ में दो लाइनर्स, ये सिंगल पिन डीजे के अंदर आती है। जैसा कि भाई ने मुझे बताया, अगर मैं कहीं पर त्रुटि कर रहा हूँ या मेरे को इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो आप मुझे ज़रूर सही करें कि सिंगल पिन डीजे का पूरा संपूर्ण मतलब क्या होता है। अभी हम लोगों ने जो इस सिंगल पिन डीजे के अंदर दिया है वो मैं सारा के सारी डिटेल दूंगा सेटअप के सामने खड़े होकर। तो आइए चलिए पहले सेटअप को लगा लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। दोस्तों बेसिकली जो सिंगल पिन सेटअप है आपका जो साउथ में जाएगा वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ये हैदराबाद के लिए तैयार किया। अगर इसमें बेस की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर 18-18 इंची के 4 स्पीकर लगे हुए हैं जो कि 6000 वाट आपका प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ इसको पूरे को चलाने के लिए हमने क्यूडी ऑडियो की एम टी 1201 दी है, जो कि आपको 6000 वाट जो है बेस चलाने के लिए दे देगी, पूरी अच्छी तरीके दे देगी। अगर बात की जाए यहाँ पर दो लाइनर्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, लाइनर्स के ऊपर सी ए 12 साउंड स्टैंडर्ड की तकरीबन 3500 से 3800 वाट का जो इसका आउटपुट है वो मिलेगा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने दो लाइनर रख दिया। अगर इसको पूरे को कहा जाए तो ये सिंगल पिन डीजे सेटअप हो जाता जो कि आपका साउथ की तरफ काफ़ी चलता है। ये हमारे एक भाई हैं जो साउथ से आए थे, उन्होंने हमें पूरा बताया कि भैया सिंगल पिन डीजे जो होता है हमारे यहाँ बेसिकली उसे कहा जाता है जिसमें नीचे बेस और ऊपर लाइनर्स रख दिए जाते हैं। बेस के लिए हमने यहाँ पे 6000 वाट दिया है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये 6000 वाट जो बेस का प्रेशर है उसके लिए हम लोगों ने जो ये डिज़ाइन कराया ना कैबिनेट को, ये 1 इंची प्लाई के अंदर डिज़ाइन कराया, फ्रंट के अंदर इसका बेस रखा है। अब इसको जब हम टेस्ट करेंगे, जब देखेंगे कि किस तरीके का आउटपुट हमें मिलने वाला है, ये बेसिकली आपके सामने पूरा सिंगल पिन डीजे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इसका पावर सेक्शन हो जाता है। अब इसको हम लोग चाहेंगे कि एक बार इसको ओपन कर लें, इसकी पूरी वायरिंग कर लें, फिर उसके बाद में इसको टेस्ट कर लें, उसके बाद में साझा करेंगे हमारे क्या विचार है, आपके क्या विचार है आपसे पता। अब अगर आप वायरिंग देखेंगे तो पीछे से मैं आपको एक बार हल्का सा एक रुझान देना चाहूँगा वायरिंग किस तरीके से हम लोगों ने की हुई है। ऊपर हमारा जो एम्पलीफायर है उससे हम लोगों ने अपने ये दो लाइनर्स पैच कर दिए, दोनों अलग अलग चैनल पर डाले हुए हैं, सिंगल सिंगल चैनल पर एक एक लाइनर डाला हुआ है। अगर आप लोग नीचे देखें तो यहाँ पर एम टी के साथ में हम लोगों ने ये दोनों बेस पैच कर दिए हैं, एक चैनल पर एक डाला हुआ है, ऊपर वाले एम्पलीफायर से नीचे वाला एम्पलीफायर पैच कर दिया है, और ये मिक्सर से ऊपर वाले एम्पलीफायर को पैच कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ से इधर जाएगा,
ये सारी की सारी वायरिंग हो गई है आपकी, और ये हमारा बोर्ड आ गया जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे। ये हमारे प्लग्स रखे हुए हैं यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद। आइए चलिए चलते हैं और चलकर एक बार इसका जो साउंड है उसको हम लोग प्रेशर डाल के अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम उसे प्रेशर पर चेक करेंगे जब उसकी पूरी हकीकत मालूम पड़ेगी। क्योंकि ये साउंड जो है तैयार किया गया है अच्छी क्वालिटी के लिए, क्लियरिटी के लिए, क्योंकि इसको जो परफॉर्मेंस देनी है वो साउथ में देनी है जहाँ पर क्लियरिटी काफ़ी मायने रखती है। Esto es Guaracha, hijo de puta. दोस्तों हमने सारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और इसका जो मिड था वो भी चेक करा, तो जो मैंने यहाँ से टेस्टिंग ली है इसकी मुझे वाकई में पसंद आई। अब ये साउथ के लिए निकल जाएगा, यहाँ से पैक होगा, पैक होकर निकल जाएगा। यहाँ पर जो टेस्टिंग करने के लिए हम आए थे वो पूरी की तरह सही रही। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल्ली व्लॉग के साथ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।